हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल. तो अब इसमें क्या कह रहा है कि H2O हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S बिकॉज. तो अब यहाँ पे रीजंस दिया है कि किस वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज हायर देन H2S. तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा या तो फिर फोर्सेस से डिपेंड करता है, इंटरमोलिक्यूलर या डाइपोल फोर्सेज हो या वंडरवॉल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उस पे डिपेंड करता है. मतलब कोई तो बॉन्डिंग पे, आई मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ये डिपेंड करता है. तो अगर फर्स्ट केस देखें तो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट रीज़न इसका, H2S इज़ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड हैंस मोर क्लोजली पैक्ड. तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है बिकॉज H2S तो बड़ा मॉलिक्यूल है H2O की कंपैरिजन में, और उसकी वजह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता बॉइलिंग पॉइंट पे. नाउ द बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज़ मोर देन H2S. अब बॉन्ड एंगल की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है. सी ऑप्शन में देखें तो द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड H2O. तो दिस आंसर इज राइट बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2O के केस में, वाइल H2S के केस में नहीं होती है. तो H2S में सिर्फ डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे, डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, और H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट H2S से हायर होगा. ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है. एंड लास्ट ऑप्शन अगर देखें तो क्या कह रहा है कि द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज हायर फॉर H2O देन फॉर H2S. हीट ऑफ वेपराइजेशन से भी बॉइलिंग पॉइंट पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, तो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ओके, थैंक यू.